नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। रीवा जिले से कटकर नवगठित मऊगंज जिले में आज सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ था, जहां उनके साथ में रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र एवं कैबिनेट मंत्री जनसंपर्क मंत्री राजन शुक्ल सहित तमाम भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। वर्तमान भाजपा प्रत्याशी मऊगंज विधानसभा के प्रदीप पटेल के पक्ष में मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहां पर आज सभा को संबोधित किया गया है और उनके द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव जो 17 नवंबर को मतदान होगा उसके तारतम्य में मऊगंज के विधानसभा के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया गया है और उनसे यह कहा गया है कि आने वाले समय में जो योजनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी होगी और निश्चित तौर पर आप हमारे विधायक को यहां से जिताइए। और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि मुख्यमंत्री को खुद यहां की एक महिला जो इस सभा में आई हुई थी, मुख्यमंत्री के ऊपर लाडली बहना योजना को लेकर और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को लेकर के भी उसने एक विशेष रूप से बघेली में गाना बनाया है। तो सीधे हम उस महिला से बात करते हैं और उस बघेली गाना को सुनने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए गाना गाया है, वो गाना एक बार फिर से सुनाइए। जरूर मैं सुनाऊंगी, क्योंकि हमारे शिवराज सिंह भैया अपनी लाडली बहनों के नसीब है, भाग है। अपने एमपी का चमन बनाया गजब, कई दिन है प्रदीप भैया। अपने एमपी का चमन बनाया गजब, कई दिन है पर शिवराज भैया। हम उजड़ा मऊगंज सुंदर बनाए, उजड़ा मऊगंज सुंदर बनाए, जिला बनाई के दिन है गजब, कई दिन है शिवराज भैया। तू तो जिला बनाई के दिन है गजब, कई दिन है शिवराज भैया। अपने एमपी में ऐसे सीएम का काम है, जहाँ पे चलता मामा जी का नाम है। एमपी में ऐसे सीएम का काम है, जहाँ पे चलता मामा जी का नाम है। सबसे पहले मामा ने भंजों पे ध्यान दिलाए हैं, सबसे पहले मामा ने भंजों पे ध्यान दिलाए हैं। सुनते इसमें सब बहना ने रकम हजार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ती बढ़ता जाएगा, कुछ दिनों में जाके देखो 1003 हो जाएगा। ऐसे भैया जी का, ऐसे भैया जी का प्रणाम बारंबार है, जहाँ पे चलता मामा जी का नाम है। एमपी में ऐसे सीएम का काम है, जहाँ पे चलता मामा जी का नाम है। ये गीत आपने कहाँ से सीखी है और कैसे बनाई है? ये गीत मैं अपने दिमाग से एग्जाम से निकाली हूँ। ये जब लाडली बहना योजना निकला, हमारे भैया को योजना तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन आशा हमारे शिवराज भैया ने ऐसा काम किया है कि अपनी बहनों के रोटी से नमक हटा दिया है, सब्जी रखने की व्यवस्था कर दिया है ना, इसीलिए हमने बनाई है, अपने खुद बनाई है। इसको आप लिखी भी है कि सिर्फ ऐसे मुझवानी याद कर ली है? लिखी हूँ, लिखी है। हाँ, लिखी हूँ। किसी ने सहयोग भी किया है आपका लिखने में कि अपने से? कोई सहयोग नहीं किया है, सिर्फ मैं अपने से लिखी हूँ। एक गीत नहीं, 50 गीत लिखी हूँ। एक प्रचारिक गीत अपने प्रदीप भैया के बारे में लिखी हूँ, उस गीत को आप ज्यादा से ज्यादा वायरल करिएगा। कमल का फूल बड़ा भारी हो, ध्यान धरे बहना हमारी। कमल का फूल बड़ा भारी हो, ध्यान धरे बहना हमारी। सब बहन मिली को ताकत बनाए, सब बहन मिली को ताकत बनाए। अपने कमल फूल के बटनी दबाए, अपने कमल फूल के बटनी दबाए। शिवराज भैया का फिर से लयाए, हो एमपी के शोभा बढ़ाए।
के प्रदीप भैया का फिर से लैया है हो मऊगंज का विकास कराया। ये बताइए, आप जब गीत गा रही थी तो मुख्यमंत्री जी आपके सामने थे, क्या कहा उन्होंने? चूंकि हम तो पीछे तक सुन नहीं पाए, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें धन्यवाद दिया और हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और बहुत बार बार आशीर्वाद दिया और बार बार धन्यवाद बोला। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमवती साहू। कहाँ से हैं आप? पहले तो आप सभी को पता है कि जिला रीवा लगता था, नया मऊगंज जिला बन गया है और हमारा गाँव है ग्राम चंदे चंदे से। जी,